नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जगहों पे हमारे पश्चिम बंगाल में आज उप निर्वाचन चुनाव का रिजल्ट घोषणा किया गया। रिजल्ट आप लोगों का टीएमसी पार्टी से जो आप लोग बिलोंग करते हैं, इसका रिजल्ट जो है किस प्रकार हुआ तीनों स्थानों पे? रिजल्ट सबसे बड़ा बात यह है कि आज दिलीप घोष जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, जो सीट वो जहाँ पर उप निर्वाचन हुआ खड़गपुर, वहाँ से भी 20,000 वोट से बीजेपी को शिकस्त मिला है। ये इस बात का क्लियर अंदेशा है, क्लियर मैसेज है बंगाल की जनता का कि 2021 में भी वो ममता बनर्जी को छोड़कर और किसी और को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते हैं। आज बंगाल की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 2021 तो क्या, बंगाल में जब तक ममता बनर्जी है उनके अलावा दूसरा सीएम नहीं होगा। जी सर, और जो आने वाला आपका कॉरपोरेशन चुनाव है उसमें हमारे आसनसोल क्षेत्र का पोजीशन किस प्रकार रहेगा, किस तरह से रहेगा, इसके बारे में कुछ? आज आपने देखा होगा पूरा आसनसोल कॉरपोरेशन का क्षेत्र में मेयर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी ने जिस प्रकार विकास का कार्य किया है, जिस प्रकार जिसका अपना घर नहीं है उसको पक्का घर बनवा के दिया, रोड गली कुर्ती में सबसे बड़ा पानी का जो समस्या जो आज सालों साल से चलता आ रहा है, कई दशकों से चलता आ रहा है, मैं एक ही बात बोल पाऊंगा, अ मैन विथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड डिफरेंट क्वालिटीज, मल्टीपल पर्सनैलिटीज एंड मल्टीपल क्वालिटीज का नाम है जितेंद्र कुमार तिवारी, और उनके नेतृत्व में ये चुनाव होगा और ये चुनाव में 106 के 106 वार्ड में तृणमूल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जी सर, आपका नाम क्या हुआ सर? अमित कुमार तुलसियान, काउंसिलर वार्ड नंबर 18, आसनसोल नगर निगम। और आपका सर, आपका नाम क्या? मंडल। जी सर, वार्ड नंबर 18, प्रेसिडेंट। थैंक यू सर। एक मिनट रुकिएगा। क्या प्रोग्राम है आज आप लोगों का? मेरा प्रोग्राम ये है कि महाराष्ट्र में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक सरकार का गठन हो रहा है, आज का खपत लिया जा रहा है, कांग्रेस में एनसीपी शामिल है, ये कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता का जीत थी। झूठ का पर्दा फाश हुआ और सच्चाई की जीत हुई। आने वाला वक्त यकीन वही जनता जिसने बीजेपी को वोट दिया था, आने वाला वक्त यूपीए गवर्नमेंट पर और कांग्रेस पर विश्वास कर हमको एक बार फिर वापस दिल्ली की सत्ता में लाएगी। आज अफसोस का मौका ये है कि पश्चिम बंगाल में हमने 3 सीट जो हारा है, इसलिए कि हम नेशनल पार्टी है रिंडल, अगर हमारा यहाँ हार हुई तो हमारा जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, इसलिए खुशियाँ मनाना आज के डेट में हमारे लिए जरूरी भी है, इसलिए हम तमाम कार्यकर्ता हमारे तमाम सीनियर लीडर यहाँ मौजूद है।
देखिए देश में जिस तरीका से पिछले 5.5 वर्षों में बीजेपी का दो रंगा बिल्ला ने सोच लिया कि 2 सीट मिले फिर भी सत्ता बनाएंगे और 100 सीट मिले फिर भी सत्ता बनाएंगे। आज जो इसका भंडाफोड़ हुआ है देश में, बीजेपी जैसे तरीके से महाराष्ट्र में बेनकाब हुआ, आज हम लोग इसका खुशी में यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। मेरा पूर्वज ने बोला है कि वहाँ पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार जरूर गठन हो रहा, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ये बीजेपी कौन बीजेपी जो आज हिंदुत्व का झंडा उठा के बोलता है हिंदू है, लेकिन देश में अगर सच्चाई हिंदू का बोलने वाला कोई है तो वो आज शिवसेना बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस का सोनिया गांधी का कांग्रेस का साथ आ रहा है। ये एक सोचने वाली बात है और देश का राजनीति में ये बदलने का रुकवा है कि देश का राजनीति बदलने का तरफ जा रहा है। जो लोग झूठ का पुलिंदा पर चढ़ के झूठ का पुलिंदा बना के देश में सत्ता चला रहा है उसका पर्दाफाश हुआ है, देश में वो लोग बेनकाब हुआ है। भलाई बंगाल में आज भी हम लोग जीतने नहीं पाए हैं, लेकिन बीजेपी कौन बीजेपी आज हरा है बंगाल में जो 6 महीना पहले करीम कलियागंज में 57,000 वोट में लीड मिला था जो सीट में, कौन बीजेपी जहां पर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट वर्तमान बीजेपी का सांसद दिलीप घोष 2016 में वहां से जीते थे और 2019 में भी 45,000 वोट का लीड मिला था, वहां पर भी आज बीजेपी हरा है। भला आज कांग्रेस और सीपीएम का चोट का जो 3 कैंडिडेट था हम लोग हारे हैं, लेकिन हम लोगों का उम्मीद बरकरार है। शायद यही चोट अगर 2019 में कांग्रेस और सीपीएम का रहता बरकरार तो बीजेपी भी बंगाल में 18 सीट नहीं जीत पाता और आने वाला 21 में कांग्रेस सीपीएम जोट ही होगा बंगाल का भविष्य। बंगाल का फ्यूचर जो है वो कांग्रेस और सीपीएम का जो गणतांत्रिक जोट बनेगा वही जोट बंगाल को सही दिशा निकालेगा।